हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टॉपिक के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? ड्रग बास्केट मेथड, जस्ट इन टाइम मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इनमें से कौन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? तो ड्रग बास्केट मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सभी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इसमें ये जस्ट इन टाइम मेथड नहीं आता। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जस्ट इन टाइम मेथड इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग स्टोर इज ए डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विथ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। ए डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ए शॉप वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिंस, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस आर स्टोर्ड, सोल्ड एंड डिस्पेंस्ड बोथ ए एंड बी। तो क्या होता है ड्रग स्टोर? तो ड्रग स्टोर होता है शॉप वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिंस, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस आर स्टोर, सोल्ड एंड डिस्पेंस्ड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नन ऑफ दी अबव। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम द नर्सिंग स्टाफ चार्ज फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन, द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर टू हिम, देर शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट, डॉक्टर इज चार्ज फॉर मेडिकेशन। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर टू हिम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर टू हिम इज चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मासीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मासीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इन टू कैटेगरीज वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इन टू कैटेगरीज। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इन टू वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम एंड फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as unit dose system, drug basket method, individual prescription order system, floor stock system. Nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as तो इसे बोलते हैं ड्रग बास्केट मेथड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्रग बास्केट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, वार्ड स्टाफ। इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट।
तो इनमें से किसकी ड्यूटी होती है टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज बाय पेशेंट इफ डॉक्टर कैंसिल एनी डोज? तो ये ड्यूटी होती है नर्स की. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट. इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट. इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंटरी कंट्रोल. ऑल ऑफ द अबव. द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का एडवांटेज होता है ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट, देन इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंटरी कंट्रोल एंड इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक्स ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन. मस्ट बी केप्ट इन ए डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड. मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्रिज. शुड बी केप्ट इन फ्रंट शेल्फ. ऑल ऑफ द अबव. तो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स? तो नार्कोटिक ड्रग्स मस्ट बी केप्ट इन डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट सर्विसेज डिविजन डज फॉलोइंग वर्क. प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन ए 24 आवर पर डे बेसिस. इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज. कोऑपरेट विथ मेडिकल ड्रग रिसर्च. ऑल ऑफ द अबव. इन पेशेंट सर्विसेज डिविजन डज द फॉलोइंग वर्क. तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन पेशेंट सर्विसेज डिविजन का वर्क होता है प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन ए 24 आवर पर डे बेसिस. देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज एंड कोऑपरेट विथ मेडिकल ड्रग रिसर्च. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड फॉर. सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो क्या होता है CUDD का फुल फॉर्म? तो CUDD स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज CUDD. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फार्मासी टेक्नीशियन मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर्स. कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस. एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स. मॉनिटरिंग पेशेंट्स ड्रग थेरेपी. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फार्मासी टेक्नीशियन मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इनमें से कौन सी फार्मासी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ये एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बाकी की ये मॉनिटरिंग पेशेंट ड्रग थेरेपी, कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस, प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फार्मेसी टेक्नीशियन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, OPD स्टैंड्स फॉर. आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आउट पेशेंट डेवलपमेंट सेक्शन. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. नन ऑफ द अबव. तो क्या होता है OPD? तो OPD इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज OPD. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन इज कॉल्ड. इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट. बल्क कंपाउंडिंग लॉग. कोड कार्ट. फाइनल फिल्टर. तो क्या बोलते हैं इसे, द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन. तो इसे बोला जाता है इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड. इमरजेंसी पेशेंट. रेफर्ड पेशेंट. एम्बुलेटरी पेशेंट. ऑल ऑफ द अबव. आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड. तो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग में आता है इमरजेंसी पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट एंड एम्बुलेटरी पेशेंट्स ऑल्सो. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड. यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स. ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस. ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स. ऑल ऑफ द अबव. तो क्या बोलते हैं इसे ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को? तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, देन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस एंड ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स ऑल्सो. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स इंक्लूडेड अंडर कंट्रोल्ड ड्रग्स. ओपीएम डेरिवेटिव्स. बारबिट्यूरेट्स. एम्फेटामाइन. ऑल ऑफ द अबव. तो कौन से ड्रग आते हैं कंट्रोल ड्रग्स में?
तो कंट्रोल ड्रग्स में आते हैं ओपीएम, बारबिट्यूरेट्स एंड एम्फेटामाइन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओपीएम डेरिवेटिव्स, बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन, ये सभी होते हैं कंट्रोल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज, डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड, प्रिस्क्रिप्शन सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट, विच आर देन इंटर्ड इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या क्या आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में? तो ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में आता है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज, डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड, देन प्रिस्क्रिप्शन सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर देन इंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, देन फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर, ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट परसेंट ऑफ आइटम्स इन बी कैटेगरी इन द एबीसी एनालिसिस? 20%, 30%, 70%, 50%। तो कितने परसेंट आइटम्स होते हैं बी कैटेगरी इन दी एबीसी एनालिसिस? तो बी कैटेगरी में आते हैं 20% आइटम्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरयूज। द इंटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस, तो इसे बोला जाता है पॉलीफार्मेसी। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विसेज? इश्यू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विसेज, इनमें से कौन सा इन पेशेंट सर्विसेज में नहीं आता? तो इन पेशेंट सर्विसेज में आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, देन इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इश्यू सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? 3, 4, 5 और 2। तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की, 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 5 फार्मासिस्ट की, 200 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 8 फार्मासिस्ट की, देन 300 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 10 फार्मासिस्ट की, एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 15 फार्मासिस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, फार्माकोपिया। एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स, तो ये होती है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The antibody that is first formed after infection is IgG, IgM, IgD, IgE. Antibody that is first formed after infection. तो ये होती है IgM, option B. Immunoglobulin M is produced early in the primary response to infection. It initiate primary immune response, IgM antibody. Then which antibody having high valency? तो ये भी होती है IgM. Which antibody has highest molecular weight? IgM. Then इनमें से कौन सी होती है general purpose antibody? तो ये होती है IgG antibody. Then which of the following is only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provide maternal protection? Previous year question है, तो ये होती है IgG antibody. IgG crosses placenta, ठीक है? Then most common and abundant antibody present in body? IgG. Blood plasma contains about 70% to 80% IgG antibodies. अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी हैज हाइएस्ट लाइफ स्पैन, कौन से एंटीबॉडी का होता है हाइएस्ट लाइफ स्पैन? तो ये भी होता है IgG एंटीबॉडी का, कितना होता है 23 डेज। देन IgD इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, वॉट इज IgE? तो IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस।
एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू आईजीई एंटीबॉडीज। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, रैप्टोवायरस ग्रुप, हेपेटाइटिस वायरस ग्रुप, एडिनोवायरस ग्रुप। एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू, तो एड्स डिसीज होता है ड्यू टू एचआईवी वायरस, एचआईवी कॉजेस एड्स एंड एचआईवी होता है रेट्रोवायरस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेट्रोवायरस होता है वायरस दैट यूजेस आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। एचआईवी होता है रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स आरएनए इनटू डीएनए। वायरल डिसीजेस में आते हैं एड्स, देन चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प, रूबेला, देन इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज में आते हैं ट्यूबरकुलोसिस, देन लेप्रसी, टिटैनस, कॉलरा, टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, देन सिफिलिस, न्यूमोनिया, प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल एसोसिएटेड इन ब्लड सेल कोएगुलेशन, IgE, IgA, IgM, IgG। एंटीबॉडीज एसोसिएटेड इन ब्लड सेल कोएगुलेशन, तो ये होती है IgM, ऑप्शन सी। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। IgE इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी, IgG होती है जनरल पर्पज एंटीबॉडी, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी IgG एंटीबॉडी, इसका होता है हाईएस्ट लाइफ स्पैन 23 डेज का। ठीक है, IgM इनिशिएट कराती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसकी होती है हाईएस्ट वैलेंसी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी, तो ये होती है IgA। देन विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीज, तो ये भी होती है IgA। ये प्रेजेंट होती है इन ब्लड, लिम्फ, देन बॉडी सिक्रीशंस लाइक टीयर्स, सलाइवा, मिल्क, एंड ये प्रोटेक्ट करती है ए न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीजेस एंड डेवलप इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ दीज। क्या होते हैं केमिकली एंजाइम्स, तो ये होते हैं प्रोटीन्स, ऑप्शन बी। एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर लिपिड्स, तो सिंपल लिपिड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर स्पीसी स्पेसिफिक, आइसो स्पेसिफिक, ऑटो स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, तो ये होते हैं आइसो स्पेसिफिक, ऑप्शन बी। एंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस बिलोंग टू ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज IgG, IgA, IgE, IgM। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम, तो अभी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है, मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम। कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन सीरम में 70-80%, तो अभी आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची, कोरिने बैक्टेरियम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग, तो ये कॉज कराता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ऑप्शन डी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी क्या कॉज कराता है, तो टिटैनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। ये कोरिने बैक्टेरियम डिप्थेरिया होता है, डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स आर NK सेल्स, K सेल्स, लिम्फोसाइट्स, नन ऑफ दीज। प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये होती है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी। लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स में, एंड लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती है थाइमोसिन, जो हेल्प करता है इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। ये एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थाइमस, ऑप्शन बी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड? तो चेस्ट में प्रेजेंट होती है। क्या सीक्रेट करती है? थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हेल्प करता है इन मेकिंग टी सेल्स। साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन होता है थाइमस। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये, तो ये भी होता है थाइमस। वंस यू रीच प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक एंड रिप्लेस्ड बाय फैट। देन रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होता है बोन मैरो। एरिथ्रोपोएसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज एंड एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे एनेमिया कॉज्ड बाय बोन मैरो डैमेज, तो ये होता है अप्लास्टिक एनेमिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, तो ये होता है स्प्लीन, ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम्प्लीट एंटीजेंस आर कॉल्ड इम्यूनोजेंस, इपिटोम्स, हेप्टन्स, पैराटोप। क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजेंस को? तो ये होते हैं हेप्टन्स, ऑप्शन सी। एंड ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज हेप्टन्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज हेप्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोप्लिक स्पॉट विल डेवलप इन HIV, मीजल्स, मम्स, रूबेला। किसमें डेवलप होते हैं कोप्लिक स्पॉट? तो ये डेवलप होते हैं इन मीजल्स, ऑप्शन बी। मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। देन विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? तो ये भी होता है मीजल्स। इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स। इनक्यूबेशन पीरियड बताइए मीजल्स का, तो ये होता है 10 डेज। ये HIV कॉज कराता है एड्स। HIV होता है रेट्रोवायरस, RNA वायरस होता है HIV। ये मम्स भी आता है वायरल डिसीजेस में। मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर जर्मन मीजल्स, इनमें से किसे बोला जाता है जर्मन मीजल्स? तो ये होता है रूबेला। रूबेला इज अनदर नेम फॉर जर्मन मीजल्स। एंड रूबेला वायरस इज एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेसिव इनसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर द फॉलोइंग डिप्थेरिया, टिटेनस, मीजल्स, येलो फीवर। तो अभी हमने देखा था इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स, ऑप्शन सी। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 डेज। एंड ये मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। ये डिप्थेरिया होता है बैक्टेरियल डिसीज। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? कोरिने बैक्टेरियम डिप्थेरिया, ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया। अभी आप मुझे बताएंगे डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये होती है सीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्थेरिया। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ये भी होता है बैक्टेरियल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज दी पेनिसिलिन एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एरिथ्रोमाइसिन एलर्जी, एनाफाइलेक्सिस। इनमें से कौन सी होती है डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। एंड डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ऑप्शन बी। ये डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। टाइप 2 में आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस। टाइप 3 होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस। एंड टाइप 4 होता है डिलेट टाइप। What is anaphylaxis?
तो सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन ऑकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स होता है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, एंड एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल पर्पज एंटीबॉडी इज IgA, IgG, IgM, IgD। तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है जनरल पर्पज एंटीबॉडी IgG, एंड दी ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस द ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन IgG एंटीबॉडी। देन मोस्ट एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी IgG एंटीबॉडी। देन इसका होता है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन IgA एंटीबॉडी हेल्प करती है इन प्रोटेक्टिंग ए न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीजेस। ये डेवलप करती है इम्यूनिटी एंड ये प्रेजेंट होती है इन कोलेस्ट्रम। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी। IgM रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हाइस्ट मॉलिकुलर वेट होता है IgM एंटीबॉडी का। IgD होती है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्टेपिलोकोकस एल्बस, स्टेपिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन कॉज कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो ये कॉज कराता है स्टेपिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर एसे ऑफ अमीकासिन? तो ये भी होता है स्टेपिलोकोकस ऑरियस। स्टेपिलोकोकस ऑरियस इज यूज फॉर द एसे ऑफ अमीकासिन, देन टेट्रासाइक्लिन, देन केनामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड? तो ये भी होता है स्टेपिलोकोकस ऑरियस। फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का यूज करते हैं टू इवेल्युएट डिसइंफेक्टेंट्स, एंड इसमें यूज किया जाता है स्टेपिलोकोकस ऑरियस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, तो ये होता है वैनकोमाइसिन, ऑप्शन सी। अभी आप मुझे बताएंगे किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेपिलोकोकस ऑरियस। देन इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट बताइए? तो ये कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम नोटैटम। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस? तो टेट्रासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरामफेनिकॉल इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस, नन ऑफ दीज। तो क्लोरामफेनिकॉल इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ऑप्शन बी। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस होते हैं पैथोजेनिक, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एंड ये प्रोड्यूस कराते हैं पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस इज ग्रीसियोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, जेंशियन वॉयलेट, निस्टैटिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस, तो इसके लिए यूज करते हैं निस्टैटिन का। यह निस्टैटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं निस्टैटिन, देन एम्फोटेरिसिन बी, एंड ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। ग्रीसियोफल्विन क्या है? तो एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है। ये होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, तो ये कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये आता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स में। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेंड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंप्रीना, तो ये होता है एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बोथ ए एंड बी पेनिसिलिन्स।
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। तो इसमें यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस, तो पर्टुसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन विच टेट्रासाइक्लिन हैज हाइएस्ट एंटी लाइप्रोटिक एक्टिविटी, तो ये होती है मीनोसाइक्लिन की, मीनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, पैरामिक्सो वायरस, नन ऑफ दीज। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय एडिनो वायरस, ऑप्शन ए। कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एंटीजेन एंड एंटीबॉडी, एफिनिटी, एविडिटी, कोवेलेंट, नन ऑफ दीज। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एंटीजेन एंड एंटीबॉडी, तो ये होता है एविडिटी, ऑप्शन बी। वॉट इज एफिनिटी, तो मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर होता है एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इनका मेन फीचर होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज, पाश्चर, जेनर, कोच, ए एल हॉक। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी। देन डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय, तो ये भी है रॉबर्ट कोच। देन पाश्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय, पाश्चराइजेशन होता है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इज डेवलप्ड बाय लुईस पाश्चर। देन रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, तो ये भी है लुईस पाश्चर। देन हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी लीवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।